हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं एसोसिएशन का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ ही वीडियो में देखेंगे कि हम एसोसिएशन वर्ड से सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो एसोसिएशन की प्रोनाउंसिएशन है ASS, SOSO, CIC, ATION, SHUN, association, association, association के कुछ समानार्थ या सिनोनिम शब्द होते हैं यूनियन यानी कि संघ, अलायंस गठबंधन, सोसाइटी समाज, रिलेशनशिप संबंध, पार्टनरशिप साझेदारी। एसोसिएशन का अर्थ होता है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम एम्स, डू द सेम काइंड ऑफ वर्क एसेट्रा। एक ऐसा संगठन जिसमें ऐसे लोगों का एक समूह होता है जिनका उद्देश्य एक ही होता है और वे एक ही तरह का काम करते हैं, तब उसको एसोसिएशन कहा जाएगा। या फिर अ रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एसेट्रा, किसी विशेष व्यक्ति संगठन समूह आदि के साथ जो संबंध है उसको भी एसोसिएशन कहेंगे। तो एसोसिएशन से अब हम कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The association meets four times a year. The association meets four times a year. Association साल में चार बार मिलती है. He gained admission into the association. He gained admission into the association. उन्होंने संघ में प्रवेश प्राप्त किया. Recently he enrolled in the Indian Medical Association. Recently he enrolled in the Indian Medical Association, हाल ही में उन्होंने Indian Medical Association में दाखिला लिया। I broke away from the association 10 years ago. I broke away from the association 10 years ago. मैंने 10 साल पहले association से नाता तोड़ लिया था। तो simple शब्दों में association का मतलब होता है ताल्लुक रखना, मंडली या समाज या संस्था को हम एसोसिएशन कहते हैं। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप एसोसिएशन शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।